मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए पिछले 3 दशकों से गांधी परिवार को मिली एसपीजी सुरक्षा हटा ली है। इस फैसले को लेकर कांग्रेस पार्टी तिलमिलाई हुई है, लेकिन आखिर सरकार ने ये फैसला क्यों लिया है, इसके पीछे क्या तर्क है, देखिए इस रिपोर्ट में। सरकार ने गांधी परिवार को दी गई एसपीजी यानी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप की सुरक्षा वापस ली है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की बैठक में यह फैसला लिया गया, जिसके बाद अब गांधी परिवार के सदस्यों को एसपीजी सुरक्षा के बजाय सीआरपीएफ कमांडो की जेड प्लस सिक्योरिटी और 10 साल पुराने टाटा सफारी मिलेगी। इस फैसले के बाद सीआरपीएफ ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उनके बच्चों राहुल गांधी और प्रियंका की सुरक्षा जिम्मेदारी को संभाल लिया। सीआरपीएफ की जेड प्लस सिक्योरिटी, जिसमें लगभग 100 कर्मियों द्वारा सुरक्षा कवर सुनिश्चित किया जाता है। संसद के शीतकालीन सत्र में लोकसभा में कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने एसपीजी सुरक्षा वापस लिए जाने के मुद्दे पर प्रदर्शन भी किया। इसे लेकर विपक्षी दलों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जवाब भी मांगा। सरकार ने इसकी वजह बताई है कि गांधी परिवार पर अब कम खतरा है और इस वजह से उनकी सुरक्षा को पहले से कम कर दिया गया है। 1991 में श्रीलंकाई आतंकवादी समूह ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या कर दी थी। इसके बाद से ही गांधी परिवार को कड़ी सुरक्षा दी जा रही थी। गांधी परिवार को 3000 जवानों की फोर्स न केवल कमांडो सुरक्षा देती थी, बल्कि इसमें वर्दी वाले एजेंट भी होते थे। उन जगहों को पहले ही देख लेते थे जहां उनकी सुरक्षा में रहने वाले लोगों को जाना होता था। वहीं कमांडोज घर पर भी तैनात रहते थे और जब कहीं बाहर जाना होता था तब भी वे साथ ही जाते थे। लेकिन जेड प्लस सुरक्षा के तहत दिल्ली पुलिस को सोनिया गांधी और राहुल गांधी के घरों का नियंत्रण सौंपा गया है। इसके साथ ही जब एसपीजी सुरक्षा वापस ली गई, तो स्पेशल बुलेट प्रूफ गाड़ियां भी गांधी परिवार की सुरक्षा से हटा ली गईं। अब उनको ऐसी कार मिली है जिसे 10 साल होने जा रहे हैं। स्पेशल बुलेट प्रूफ गाड़ियों की बजाय 9 साल पुरानी यानी 2010 की टाटा सफारी दी गई है। पहले एसपीजी के तहत सबसे मजबूत और स्मार्ट कमांडो मिलते थे, वहीं सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी रेंज रोवर गाड़ियों का उपयोग करती थीं, जो हर धमाकों से बचाने में सक्षम थीं, जबकि राहुल गांधी फॉर्च्यूनर कार का उपयोग करते थे। नियम के तहत एसपीजी सुरक्षा प्राप्त लोगों को सुरक्षा कर्मी, उच्च तकनीक से लैस वाहन जैमर और उनके कारों के काफिले में एक एम्बुलेंस मिलती है। सरकार ने इस साल अगस्त में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की एसपीजी सुरक्षा भी हटा दी थी। इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इकलौते ऐसे शख्स हैं जिनके पास एसपीजी सुरक्षा है। गांधी परिवार से एसपीजी सुरक्षा जरूर हटाई गई है, लेकिन उन्हें जेड प्लस सिक्योरिटी दी गई है। एसपीजी को स्टेटस सिंबल नहीं बनाया जा सकता, खास तौर पर ऐसे में जब इस परिवार ने कई बार एसपीजी सुरक्षा के नियमों का उल्लंघन किया हो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।